वरुण और दिव्या का रोज का झगड़ा, वरुण और दिव्या का रोज का झगड़ा, जितना बन जाती है देखो ये बकरा। यहाँ तो कल से मुझ पे चिल्लम चिल्ली हो रही है, गोला बारूद फेंका जा रहा है, गोला बारूद फेंका जा रहा है मेरे पे, और मैं सब ले रहा हूँ, मैं इंजर हो चुका हूँ पर फिर भी ले रहा हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ टू मेक पीस। पर नहीं, बॉर्डर के पार हमला भी जारी है। मैं बोल रहा हूँ ये वो नहीं है सोनू की ट्वीटी की जो भी, ये बॉर्डर है। वापस ट्राई करता हूँ। दिव्या, दिव्या, वरुण, हाँ, कॉलिंग, हाँ जी, शी इज इन द वॉशरूम। ओके, प्रतीक को तो मैं नहीं बोल रही, सॉरी प्रतीक को भी नहीं बोल रही, किसी को नहीं बोल रही, मुझे भूख को ही बोलनी थी, एक मुझे कंबाइंड सॉरी बोलनी थी, मैंने बोल दी, बस इतना ही मुझे लगा था। दिव्या से बोल के तो फायदा नहीं है, इट विल बाउंस बैक एज ऑलवेज, जो लग ही रहा है मुझे अभी, पहले मैं तो हैंडल कर लूं। मैं नहीं बोल रही है बाबा, हम इतना तो बड़ा बीच में बोलने हाँ, से पहले इन लोगों को जाना फिर हाँ कर देना है कि नहीं, दो दोस्तों के बीच में बोलना और रास्ते के बीच की खुदा इज इक्वल ना, मैं तो ना पी दू कछू ना। आज 12 बजे आतंक होएगा, कोई आतंक वातंक नहीं होने वाला, मैं चुपचाप सो रही हूँ, आई डोंट वांट एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर यू गाइस। हाँ तो आतंक हम करेंगे ना, हम तो करेंगे, मैं तो फुल नाची चूंगी, फुल इसका नारकली आज मैं पहनेंगी, आई डोंट वांट टू सेलिब्रेट आउटसाइड, फैजी के शॉर्ट्स मैं पहनूंगी, कौन से जीन्स के शॉर्ट्स, अल्लाह अल्लाह। पॉइंट समझाते हैं अपना, अभी राज तू बीच में वकील बन रहा है, तू ओपीएम का दिमाग सालो, अपना दिमाग है सब, अपने कान से सुनता हूँ, अपने कान से फाड़ूंगा अब लोगों की यहाँ पे, जितने दिनों ना सुन लिया मैंने बहुत, सुन लिया मैंने बहुत, सुन लिया मैंने पूरा पूरा सुन लिया भाई, कुछ नहीं किया मैंने सिवाय शो में सुनने की, अब मेरी बारी है सुनाने की, अब मैं दिखाता हूँ असली जो दिल्ली का पंजाबी लड़का विराज था वो असली में था कौन, जिस दिन वो एंटर किया था, लोगों के बीच में नहीं घुसना, लोगों के बीच में जाके हारनी है। मायशा कहाँ है तू, वहाँ पे वरुण और दिव्या की बात चल रही है, उनका सॉर्ट आउट हो नहीं रहा और फिजा चुपचाप दिव्या को बोले जा रही है आई थॉट आई एम हिज फ्रेंड, हाउ डजंट ही ट्रस्ट मी। अबे कोई बंदा एक मैनिपुलेटर को कैसे ट्रस्ट कर सकता है, वो बंदी खुद 2 हफ्ते पहले तक कह रही थी मैं वरुण और दिव्या का रिलेशन तोड़वाऊंगी, तुम कैसे लोग हैं यहाँ पे कि फिजा को ट्रस्ट कर रहे हैं, भाई लोग कर क्या रहे हैं, उसका सच कितनी बार लोगों के सामने आएगा फिर उसके उसके साथ पागल हो जाते हैं लोग, क्या डम्ब है दिव्या। I was like, if वरुण और दिव्या के बीच में कुछ सब कुछ ठीक था ना, हाँ, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे भाई तो तुम बीच में अपना पॉइंट रखो जो सही है, भाई वो फिजा बोलती रहती है चुपचाप, फिर उसके दिमाग में भरे जा रही है दिव्या के कि भाई मैंने सोचा वरुण मेरा ट्रस्ट है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ट्रस्ट ना करे, ट्रस्ट डेवलप होता है, ऐसे थोड़ी ना ट्रस्ट आ जाता है कि मुझे ट्रस्ट करो मैं तेरी दोस्त हूँ। अरे बट यू सॉ ना जब उसने बोला कुछ नहीं हुआ, व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग यू सॉ व्हाट हैपेंड, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू बी क्वाइट। और एक और बात, साले इन्हीं का ग्रुप है, तेरा बोलता रहता है तू ओपीएम के दिमाग से खेलता है, घंटा अपना दिमाग भी चला रहा हूँ अब तो साला ओपीएम का दिमाग, अभी तक याद है सजा कहती थी कि मैं मुंह पे हूँ सब हूँ मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकती लोगों को, कल रात कल खुद ही बोल दिया मास्टरमाइंड के सामने मैं सबसे बड़ी मैनिपुलेटर हूँ गेम की, क्या बोलोगे तुम। I'm telling you ना, अभी चीजें ठीक नहीं इसलिए सब लोग बोल रहे, चीजें ठीक रहती तो कोई कुछ बोलता नहीं। Oh shit, I had my point क्योंकि because I have been her roommate, I know how she plays, that's why point. साला हर बात के ऊपर डबल ढोल की बजती है। You kept your point, it's okay. ओ पाजी की हाल है? कुछ नहीं भाई, सुन रहा हूँ सारा कुछ। पाजी मजे ले रहे हो? क्रॉस रूम में बोलने का फायदा नहीं, मास्टरमाइंड के सामने बोलूंगा। भाई क्रॉस रूम में भी हाँ भाई, तो तू देख रहा है ना भाई सब। सुन रहा मैं सोचा हूँ अपने दिमाग सर पे लिख लूँ ओपीएम। अभिराज तू भी बोल मत, तू भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ब्रो। या ओ भाई तो तेरे बोलने में क्या जा रहा है, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है कुछ बता दे। ओपीएम से ए भाई क्या तू, तेरे को बीच में बोलने के लिए क्या कौन है,
अबे सिचुएशन से डील हम कर रहे हैं तो तुम क्यों बीच में भाई सिचुएशन की बात नहीं है, मैं मैनिपुलेशन वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ और साथ में जो तुम्हारे लोग बोल रहे हैं दिव्या और उनसे बात करने को डायरेक्ट, और ये बोलना बंद कर कि सारे में किसी का दिमाग लेके बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास एक ही चीज है बोलने के लिए, नहीं नहीं तुम्हारे पास एक ही चीज है बोलने के लिए, रुक जा। नहीं नहीं नहीं, दो साल की दोस्ती बार आई तो हमने बोल दिया, प्रॉब्लम हो गई। What Varun said, he wants to talk to Divya, it's completely okay. Abhiraj is coming in between again and again. Because Pizza interfered in between, that's why he's not interfered. Once again, so why are you interfering? He was talking to Pizza, Abhiraj. He wasn't talking to Pizza, he was talking to Divya, that's what he is saying. No, but he clearly told Pizza something. Okay, they are having a conversation about that. No, Faizi. Faizi, I am the open ki baat nahi, I am everyone. Are you talking about that? No, चुप रहो, बेफजूल में मत आओ यहाँ बीच में। भाई सुनो, वहां से फिजा ने बोला वो ट्रस्ट वाली बात, उसके ऊपर मैंने बोला है। इग्नोर इग्नोर प्लीज। अब हर बंदा तुझे ट्रस्ट करता है। हाँ, तुम्हें रूम में बात करने नहीं मिल रहा, तुम बीच में कहीं पे भी चढ़ते जा रहे हो। मैं तो नहीं चढ़ रहा। क्लियर नहीं। अबे राज, तो ठीक है, जैसे लेगा दे लो, मैं चढ़ रहा हूँ, ठीक है। अकेला नहीं, चढ़ गया मैं, चढ़ गया, चढ़ गया मैं, बोल रहा हूँ बीच में, बोल रहा हूँ, बोला ये बीच में मत चढ़ो। अबे यार ओपीएम, तू तो चुप ही रह भाई, तू सामने तो बोल नहीं पाता, तू सामने तो बोल नहीं पाता। अबे कोई काम धाम ढंग का करो, कोई पब्लिक तुमको वोट करे बचाने के लिए, बेकार की बातों में मत पड़ो कि पब्लिक तुमको बचा लेगी इस हिसाब से। जिसके बीच में प्रॉब्लम है उनको तो सॉर्ट आउट करने दो यार, पहले बोलो बोल मुझे किस मतलब पे भाई। हाँ, हमारे मैटर है तो हम बोलेंगे, चाहे वरुण हो के कोई भी हो के। अभी तेरा नाम भी नहीं आया है, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, खाली फुकट अपने आप को स्ट्रेस मत दे, बिकॉज़ आई प्रॉमिस समथिंग टू अपको। और मेरी बात मैं उसके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। बोल रहा है, मैं उसी के अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, डोंट। और हम बोलेंगे क्योंकि हम इस रूम में हैं। एग्जाम बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी के बोलने में चुप नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ बोला ही नहीं, किसी के बोलने में चुप नहीं होना चाहिए। कोई चुप करके दिखा दिया, कोई चुप करवा दिया, जब बोलेंगे तो बोलेंगे। मार दरवाजे पे, मैं भी मार सकता हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर इस बात पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि मेरे यहाँ पे रिलेशंस फेक है, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने गेम खेल दिया रिलेशंस को भूल के, तो मैं तो बोलूंगा भाई मैंने कभी तेरे रिलेशन को फेक नहीं बोला। Understand, he is not talking to you. He is talking to you, please. फिर से मैं बात नहीं कर रहा हूँ यार। इसके लिए बोल रहा हूँ कि कोई तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है। वो के झगड़े में भी मैंने बोला वो तुझे पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। मैंने किसी बात में तुझे नहीं बोला यार। Looks like one of those fighters. समझ लिया मैं अभिराज, तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, जिसको समझना वो समझ चुके हैं यहाँ पे। Exactly, understand. Gym room, clearly. और मैं किसी के नाम लेने से डरता नहीं हूँ, मैं वरुण की बात कर रहा हूँ। I would have hated Varun. अगर मैं उसके साथ रहता नहीं तो। Like I am hating right now. Very sorry, but I am hating him from every angle. क्योंकि मेरे मेरे लिए जो हंस मुस्कुरा के गले वाले लगता है, it's all fake. At least towards me. किसी को भी लगेगा यार। क्योंकि तुम अगर बोल रहे हो I don't trust, मतलब मेरे को दिव्या एक बात बता, वो तो हम लोग चारों का बॉन्ड है, वरना at some point अगर गेम की बात है तो I also don't trust certain people, yeah? But मैंने क्या बोलूँ, ये अलग manipulating की जगह पे चला गया। ज़्यादा ज़्यादा जीते हुए भी क्या ट्रॉफी, दिल तो जीत ही नहीं पाओगे ये हरकत। शो में आने से पहले पता है क्या बोलता था, देखो अगर किसी ने कुछ भी बोला ना मैं उसको जान से मार दूंगा। कहाँ अपनों के ज्यादा चुपते है। तुम बता दिव्या, तुम्हारे झगड़े ना किसी से भी नहीं हुए, तुम्हारे झगड़े तुम्हारे ही दोस्त हो गए। तुम ऐसी देवदासी बन के बैठी रहोगी, क्या करूं मैं लाइफ में। नहीं तो उनको क्या ऐसी मुंह लटका के बैठा रहना। थिंकिंग क्या है, लाइफ में खुश रहना है बहन, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं देनी, खुद खुश रहने का बात करेगा तो करेगा।
और बात करेंगे ना तो सारी बात करना, लेकिन उसको एक बात बोलना कि तुम लोगों का मुंह यहाँ बंद नहीं करवा सकते हो। अगर मेरे लिए लोग खड़े हैं तो वो खड़े रहेंगे, तुम कितने भी सही रहो। मुझे गुस्सा आया जब रात को हम चेतना को बोल रहे तो ये क्यों फड़फड़ कर रहा है बीच में। तो कर रहा है ना, बुरा कौन दिखा? क्लाउन। या ए क्लाउन। व्हाट? इट्स नॉट लाइक यू ऑल हैवंट फॉट बिफोर। नो, गिव इट टॉक टू आउटसाइड, डोंट टॉक टू मी फ्रॉम हियर, आई'ल अगेन ब्रेक द डोर। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट calm down, it'll all be fine, just give it some time. I feel time. Helpless right now, Aisha. And the things you're doing is not in good taste. I feel helpless right now. I know, I completely get it. But also, keep a tab on your actions, no Varun? Just give it some time, Varun. Be patient. I feel helpless, Aisha. You're not understanding my position right now. I can get, see, first of all, no one will ever understand your position because you are going through it. None of us are. But all I can tell you is just give it some time. You all haven't had your closure, both of y'all. And yesterday Mastermind said that, you know, people are going to have opinions and stuff because they are in the same house. So it's fine. Let them have their opinions. But whatever you have to say... I don't want this house, man. I don't want this house. You're getting it? Since when have you become a quitter? I'm not a quitter. Then... I don't want to lose people, Maisha. You're not losing anyone. You and Divya have never fought before the show. Hardly. But you all have, right? You all have. There was also a time that you all went for months without talking to each other. We weren't this close. But when you all got back, it was like nothing changed. It's not as difficult as it looks. It's horrible, Maisha. It is horrible. It is with my mind. Varun, you all both have wounds. Wounds that will heal. And once it does, you won't even know that it ever happened. It won't even leave scars. Trust me. I am a drop away from losing my shit again. I'm not even joking. Varun, all I can tell you is be patient. I have been patient, Maisha. I have been. I have never been this patient in my life. Hey, my twin. Calm down. I want to go to my mom, hug her and cry. I want to hold my dog. तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप सबको जो काटे हैं? मेरे नाई, मेरे भाई फैसल, अब दूसरी बार भाई बोलना है। मार मार तुम्हें को मार मार ले सीच काट। देख क्या लगा के मोटे जो चाट रहा है ना, थप्पड़ बहुत तेज लगा। थप्पड़ हाथ वाथ संभाल के रखा कर अपने, मैं भी मार सकता हूँ। दूसरा बजा दूंगा। बहुत तेज लगा है तुम्हें को भाई बोलना है। बहुत तेज लगा है, निशान नहीं आया इस बार। अभी दिखाता हूँ निशान, रुक जा। दिख रहा है? नहीं। अल्लाह, अल्लाह। मुझे भाई क्यों बोला? उस दिन मैंने क्लियर किया है। तू हर बात पे मेरे को खसम खसम बोलता है, तो मैं कुछ बोलता हूँ? I'm sorry। मेरे को मुंह पे कोई थप्पड़ मारता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मुंह क्या होता है? जो भी है, थप्पड़ भी तू ही मारे और उसके बाद बदतमीजी भी तू ही करे और मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है फिर। कॉलिंग हिम भाई इज रॉन्ग। अरे मैंने मजाक किया है यार। नहीं, तुम लोग जो मर्जी मेरे को, जब मर्जी बोलते रहो, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है? अरे कुछ भी और बोल दो यार। मतलब मैंने छोटा सा, मेरे को क्या पता कि वो इतनी सी छोटी सी बात से एक बार ही ट्रिगर हो जाएगा। डार्लिंग, आई एम गेटिंग रिजेक्टेड, इंसल्टेड ऑन अ नेशनल टेलीविजन। एटलीस्ट आई डोंट रिजेक्ट यू, आई डोंट इंसल्ट यू। नो, अगर ये बात गुड और बैड की है ना, तो लेट मी गेट देयर। ओके, आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट बैड अबाउट इट, बट प्लीज मैं तुम्हें माफी मांग रहा हूं ना। नहीं, आई एम सेइंग प्लीज, आई एम सॉरी। ठीक है, नो प्लीज, यू डिड द सेम थिंग इवन लास्ट नाइट। आई एम नॉट टेलिंग यू अ सिंगल थिंग। आई एम नॉट अराउंड द लास्ट नाइट सो मच। आई डिडंट, आई एम सॉरी। आई डिडंट नो दिस इज सो मच मेक्स यू फील सो बैड। आई एम सॉरी। आई एक्सप्लेनड यू लास्ट टाइम, आई एम सॉरी। लेकिन ये पता है, ये बात बहुत पहले हुई थी, बहुत दिन पहले, तो मैं मेरे दिमाग से उतर गई। आई एम सॉरी। ठीक है, अब तुम भी बोलो सॉरी। तुम पर मारो,
ये मुंह बगल में क्यों मेरे मैं आई एम नॉट प्रतीक सचपाल आई एम पेजी बू तुम क्या ऐसे क्यों हां हम सब वाले नहीं दिए तुम जोर से लगा था नहीं कुछ नहीं हुआ कल खुद उसने मास्टरमाइंड के सामने बोला कि मैं सबसे बड़ी मैनिपुलेटर हूँ यहाँ पे तो आप क्या क्या लगाओगे इस बात की इक्वेशन मैंने इसी बात के लिए अभी बोला वो लोग हमसे लड़ रहे हैं उसने खुद अपने मुंह से बोल दी जो कल तक नहीं बोलती थी अच्छा बनने का ढोंग करते थे आज फाइनली सबके सामने आ गई है इसलिए अभिराज ने बोला और ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि अभिराज मेरा वकील है क्या बोलते हैं मेरा माइंड यूज करता है उसके लिए बाहर बाहर निकलने के बाद मैं सबको ऐसा सुनाऊंगा कि दोबारा ये कुछ बोलने से पहले चार बार सोच ले जब इनको बोलते हैं तो दर्द जब उनको बोले तो दर्द और हम बोले तो मर्द OPM सीधा वार आओ बाहर जब तुमको बोला तुम बोलते हमारे बीच में मत बोलने का और जब उस दिन पूरा घर चढ़ रहा था उस दिन अभिराज पे सारा घर चढ़ रहा था मुझ पे चढ़ रहा तब का ही लाए बीच में हमारे बात ये है कि इनसे हम टूट नहीं रहे हमारा रिश्ता टूट नहीं रहा इनके खुद हाँ और फर्स्ट डे से आज तक हम लोग एक हैं और एक ही रहेंगे भले अलग रूम में रहे या कुछ भी रहे कुछ भी डिसीजन लेंगे साथ में बैठेंगे और डिसीजन लेंगे हम भले साथ में नहीं आए पर घर में रहने के बाद हम साथ में हुए और हम बॉन्डिंग पहले दिन से आज तक वैसी की वैसी है ना टूटेगी ना टूटेगी वहाँ पे भी वरुण उससे बात कर रहे फिजा साइड से कुछ कर रही है और ऐसा कैसे कह दिया कि हम ट्रस्ट नहीं करते जो बंदे मेन है उनको एक बार सॉर्ट आउट करने दो बात करो अपने बारे में वो मुझे ट्रस्ट नहीं करता क्यों करे ट्रस्ट बंदा ऐसे क्यों करेगा यार तुम पे क्या कर रहा तुमने ट्रस्ट पर तुम्हारे लिए यूज किया वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है चलो मेरे को करे तो मैं समझ सकता हूँ फिजा को क्यों ट्रस्ट करेगा कोई नहीं करेगा इसका नया नया रूप आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं सिर्फ आग लगाने का काम करता हूँ चिंगारी डालता हूँ आग लग जाती है तुझे पता है जब मैं तेरी फ्रेंड बनी तो मैंने हमेशा सोची कि मैं वरुण के साथ कभी भी ना टास्क में भी आड़ी नहीं करूँगी जैसे ना मैंने उस पर पानी फेंका ना कुछ बिकॉज वो तेरा फ्रेंड है बट अभी ना क्या हो गया पता है वो बहुत गलत ट्रैक पे चल रहा है गेम के हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस ओवर स्मार्टनेस सो इफ एनी थिंग आई एम टेलिंग हिम तू अपने बीच में मत लाना तू पागल है क्या इट्स अ रियलिटी चेक फॉर हिम ये तू समझ एंड ही नीड्स इट कल मैंने कुछ आई नो बट मैं जब तू उसे प्यार भी करती है या जब तू उसे गुस्सा भी मैंने कोशिश की उससे हाथ बढ़ाने की दैट्स योर एंड हिज टैंजेंट एंड आई नो यू फॉर अ फैक्ट आई नो यू एज अ पर्सन एंड आई नो कि तू उसको गलत ट्रैक पे नहीं डालेगी मैं चेतना से इसी बात पे छिड़ती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो घूम फिर के गलत ट्रैक पे डालती है शी इज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी अवे आई नो दैट आई विल बी अ लिटिल रूड टू हिम टिल आई डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज माय पॉइंट बट इन दिस प्रोसेस I'm not hurting anybody. जब तक मेरी जर्नी यहाँ पे सही है. But at the same time, I'll tell you as a friend, you're affecting your mind very badly with all this. Well, it's not going to affect the game, honestly. Trust me. It's just me and him. Don't worry about that. Don't worry. But you have to mentally be. पागल मेरी बात सुन. अगर मेरे को ये गेम में इफेक्ट कर रही होती ना तो तू उसको बोल रही है जो बू उसको इतना चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहा है प्रतीक उसको इतना कुछ बोल रहा है मैं बीच में बोली एक बार भी तो फिर मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ अगर happens or anything happens it should never be between you and me that's it will never be like are you mad I don't make मेरी बात सुन मुझे इतना मालूम है कि अगर मैं उस रूम में गई and Chetna tries to justify her actions my reply will still be what you did is playing behind men that is my statement since day one till today the biggest fear for someone is to be someone's mouth don't be his mouth and he is being her mouth Varun Sood जब तक सिंगल था ना फर्स्ट टाइम में उसको एलिमिनेशन में देखी मजा आया ना देख के मुझे दिस गाय इज तो वेरी नाइस ऑल आर सिंग साइलेंट बैटर क्यों था चुप चुप बैठता था ना वो दिमाग से खेलता था क्यों चुप बैठता था वो बिकॉज ऑफ यू एग्जैक्टली कोई उसके दिमाग में गलत चीज नहीं भरता था ना मैं किसी कोई गलत चीज उसके दिमाग में भरने देती थी खड़े रह के 10 लोगों को बोलने की औकात रखते कि तुम गलत हो हाँ, तो हो जैसे तुमने चेतना को बोला आई डोंट लाइक यू सो आई विल नॉट लाइक यू डू व्हाटएवर हाँ
So it makes you a very powerful woman. Right. Fiza, mene, see, mene, I had decided earlier that I'll not make friends here in the show before coming because I know... Me too. तेरी तो कट्टर दुश्मनी होगी जैसे आज मेरी और चेतना की है ठीक है तेरी और मेरी पक्का होगी मुझे ऐसा लगता था बट आई जस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि हम उसके रूम के बारे में इतना बोल रहे हैं डायरेक्टली इतना बोल रहे हैं फिर भी अक्कल ही नहीं समझ में नहीं आ रही बात क्या हो रही है वो किसी और बात पे बहस कर रहे हैं नहीं नहीं नॉट दैट वे जब मैं उसके बारे में 10 बार बोल रही हूं कि मेरा रूम किस स्पीच में मुझे इन शॉर्ट उनका करना चाहिए हां तो वो तो मैं कह रहा हूं वो बात क्योंकि दे कैन नॉट से एनीथिंग अभी देखना ये चीज की वजह से सबका मूड ऑफ है घर में तेरा उसका जो फ्रेंडशिप है आई रिस्पेक्ट इट कल तुम दो दोस्त बात कर रहे थे कोई बीच में बोला नहीं नहीं यार मैं बात नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ उसके ये डिसीजन से है डिसीजन उसका था ही नहीं ना उसका होता तो हम समझ भी जाते हैं नहीं नहीं फिजा देख मैं एक बात बोलूँ वरुण इज सच एन इन्फ्लुएंस देयर ना कि अगर वो जो चीज़ बोल देना और वो ये लड़कियाँ नहीं करे ना मैं मान ही नहीं सकती उसने हाँ भी बोली है लकीर ठीक है उस दिन फैमिली वाले टास्क में भी जब वरुण टर्न हो गया तब मायशा चेतना इन सब जाके उसको बोलते हैं शहजाद का अब तो टर्न कर लिया अब चलेगा जितनी मर्जी है मेरे को पता तो है उसकी कहाँ कि वो इतने दिमाग में गया है डजंट लाइक मी आई नो दैट सो फॉर दैट फैक्ट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड याद है मैम इफ देयर वाज नो वरुण ना शी वुड हैव बीन ऑल ओवर यू ऑल ओवर यू हां क्योंकि शहजान ऑब्वियसली इज क्रेजी बिहाइंड मायशा नहीं बट आई एम सीइंग नाउडेज चेतना इज ऑलवेज अराउंड शहजाद ठीक है हो सकता है बट व्हाट यू सेड टुडे अबाउट फिजा इज काइंड ऑफ ट्रू सम डेज आई एम लाइक शी इज सच अ स्वीट हार्ट And then some days I'm like, why is she doing this? Like, I really don't get her at all. I don't know when she does it genuinely. ये इधर तो दिन दिन में लोग बदलते हैं हफ्ते हफ्ते की बात तो बहुत बड़ी है कुछ बदले नहीं पड़ता Aisha was telling me that when me and Divya were on good terms, we were talking and everything. Nobody had the audacity to mess with me because they knew that Divya and me together are very strong. Mm. And if they tell me anything, Divya will f*** us up. Now that Divya and me are fighting, everybody in that room have a reason to. That's what, you know, Abhi, right now when you guys were talking, the way everybody kind of nobody should thing. Have. No, because I wasn't talking to anybody. I was talking to Divya about other things, not even the squeeze. No, but the way Prateek jumped in, the way Fiza jumped in, the way even... Fezibu, I was shocked. They wanted a reason. They will charge at me. They will charge at me again. And if I come to my own terms, I will... The case up, they have no idea how. जो फिजान ने अभिराज को बात बोली है, I don't know now how true it is. अभिराज इसमें से कह सकती है, because उसको power थोड़ी है कि वो तोड़ देगी, किस angle से तोड़ देगी? नहीं, फिजान ने अभिराज को ये बोला कि मैं वरुण और दिव्या को separate करूँगी,
बिकॉज आई थिंक दे आर स्ट्रॉन्ग टुगेदर. ठीक है, कान भर भर के सेपरेट करूंगी शायद. नो आई डोंट नो व्हिच वे मे शी सेपरेट देम बट या ऑब्वियसली इट्स कुड बी दैट ओनली. हां, देयर इज नथिंग एल्स, नो अदर वे दैट शी कैन. नाउ आई रियली डोंट नो व्हेदर आई शुड ट्रस्ट अभिराज बट आई नो आई डोंट नो मैन. ऑल इट्स ऑल फाइन बट if you meet her, make her understand it's a game show. I just want to meet her. I'll make things fine. I know it. I just want to meet her. If she's in that room with those bloody people, you know what? Can I be honest to you? Yeah. Like, you and Maisha are telling me to make things fine with her, right? They are saying, let him suffer. Now, just because I am in a picture, suddenly friendship versus a new person entering your life. It's just, they are just dragging it to that level. Us samay sabka decision tha, everybody charged at me. And uske chakkar mein everybody came up Fiza, to me. Mujhe ye bolna hai, main bolunga jab, abhi nahi. बड़ा अगर अभिराज या आकांक्षा को सॉरी बोला या? तो हम मान लेते हैं ना. ठीक है, रात को यू नो हमने जब डिसीजन लिया, नहीं हमने सोचा, वी थॉट अबाउट एक गेम के कॉन्सेप्ट पे, बट इन द नाइट व्हेन वी रियली फेल्ट इट कि यार एवरीबॉडी गॉट डिस्टर्ब्ड एंड सबको ट्रबल हुआ है, वी फेल्ट लाइक यार शिट काया. हमने डिसीजन लेने के बाद ही वी फेल्ट कि शायद यू नो वी शुडंट हैव टेकन डिसीजन. इन द मॉर्निंग वी सेड सॉरी. तो यार इट्स नॉट अ जोक, लाइक ओके people do mistakes, we are human, it's life, hum bahar bhi mistakes karte hain, we say sorry doesn't mean everything comes on stake for that one reaction. Kind of is fizza ki tumhe lagaunga aaj, main guarantee de sakta hu. ab actually time aa gaya hai, you know, like being broken or being this is not the time. How, giving first back of all, is the time. First now. Of all, I have said this since day one that nobody will talk between me and Divya whenever we are talking. When you're not included in the topic, you will not interfere. Nobody in the world will interfere when they are not included in the topic. अपने आप randomly अपने आप को कुसेड़ने topic के अंदर कोई इनसे सीखे. I was not even mentioning them. I said sorry to them in the morning. Towards the afternoon, I was talking to her about our thing, about why are we fighting, what's happening in the game, and all. Not including Fiza, Pratik, or Boo. Nobody I included. Feel like beating. Hearing Fiza's voice, I feel like throwing a ball at her. Piece of shit. दिव्या वरुण का जोरदार झगड़ा, दिव्या वरुण का जोरदार झगड़ा. चेतना बन जाती है बीच में ये बकरा. वरुण दिव्या का जोरदार झगड़ा, इस स्पेस में होता है तगड़ा. वो सुनने देना फिर. तगड़ा तगड़ा झगड़ा झगड़ा बकरा बकरा, भारी रहेगा ओपीएम का पगड़ा. साथ में अभिराज तो, साथ में अभिराज मेरा भाई, मेरे साथ तो डरने की ना कोई बात. आप साथ थोड़ा लाइक मेरा नाम बीच में जोड़ा.